तो अब आपने ज्वेलरी तो खरीद ली और आपके यहाँ पे वेडिंग है, स्पेशली डेस्टिनेशन वेडिंग है जहाँ पे आपने जाना है, और आपने ज्वेलरी अपने साथ कैरी करनी है। अब ये बाली हो सकता है, अब ये थाईलैंड हो सकता है, इंसिडेंटली यूएस भी हो सकता है, कुड बी एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड आपने जाना है। हमारी कोशिश रहती है कि यार देखो, हैंड कैरी में ज्वेलरी ना चेक करी जाए, हैंड कैरी में ज्वेलरी ना रखी जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक इन से निकलेगा, स्कैनर से निकलेगा, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने पूछ लिया ये कहाँ से लाए हो, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो रियल है, 10 सवाल पूछेगा कस्टम का बंदा, और सिक्योरिटी चेक किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल एयरपोर्ट पे पूछेगा। और हम सारी ज्वेलरी अपनी सूट केसेस में डाल देते हैं, वी पुट ऑल आर ज्वेलरी इन सूट केसेस, अपने जो चेक इन लगेज होता है बेसिकली वो 23 kgs का या 32 kgs का सूट केस में डाल देते हैं भर भर के। प्रॉब्लम क्या आती है अब समझो, सबसे पहले लॉ जाननी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको क्विकली बताता हूँ। किसी भी दुनिया के कस्टम के ऑफिसर के पास अधिकार नहीं है कि आपके हैंड लगेज में से सिक्योरिटी चेक इन से निकलते हुए आपसे पूछे कि आपके हैंड कैरी में क्या पड़ा है। इश्यूज आपके चेक इन लगेज में फिर भी हो सकते हैं, बट आपके हैंड लगेज में कभी कोई नहीं पूछता कि आपके लगेज में क्या है। स्पेशली स्कैनर में जितना मर्जी गोल्ड निकल आए, जितने मर्जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकल आए, नोबडी आस्क यू। हम कई बार ये भी करते हैं, खुद पे डाल लो ज्वेलरी, हो सकता है कोई ना पूछे, विच एक्चुअली रेजेस अ लॉट ऑफ अलर्ट्स, रेजेस आउट ऑफ रेड अलर्ट्स की इतनी ज्वेलरी पहन के कहां जा रहा है बंदा। सो कीप योर ज्वेलरी कामली एंड सेफली इन योर हैंड कैरी लगेज। लॉ ये कहता है कि कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर आपको किसी भी देश का, चाहे वो इंडिया है, आप यूएई है, थाईलैंड है, यूएस है, कहीं भी कोई आपके हैंड लगेज से आपको कुछ नहीं निकलवा सकता, चाहे जो मर्जी गोल्ड आप हो, ऑब्वियसली वो इलीगल आइटम नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपके जो चेक इन लगेज है, अगर उसमें आपके में सामान पड़ा है, समझो आपका सूटकेस आपने चेक इन कर दिया, प्लेन के कैरेज हैंडलर्स के पास चला गया, कैरेज हैंडलर्स बड़े ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है अटैची कैसे खोलनी है, वो वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिप खोलने का, पेन डाल के, पेंसिल डाल के खोलने का तरीका। जितने मर्जी ताले लगा लो, जितने मर्जी वो मोलिया बांध लो या वो चुन्नी वगैरह लगा दो, उनको खोलना आता है, वो चुपचाप से आपके अटैची खोलेंगे, अंदर से सामान निकालेंगे, वापस आपके अटैची बंद करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ताला कभी खुला था, जब तक बहुत देर ना हो जाए आपका बैग खुलेगा। उनको पता होता है, दे ऑब्वियसली आर वेरी स्मार्ट, दे फील आउटसाइड द बैग, दे विल ओपन अप योर बैग, आपका ज्वेलरी निकालेंगे, आपका बैग बंद करेंगे कैरी ऑन लगेज में। प्रॉब्लम स्पेशली तब आती जब दो कंट्रीज ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां पे किसी को भी नहीं पकड़ा जा सकता, कोई भी बीच में कैमराज नहीं है, आपका प्लेन से सामान चढ़ाया जा रहा है, प्लेन से उतारा जा रहा है, कहीं भी कोई जवाबदारी नहीं है, कहीं भी कैरेज हैंडलर्स पे कोई भी केस नहीं किया जा सकता। तो प्लीज बेझिझक होके अपनी ज्वेलरी, चाहे वो आर्टिफिशियल है, रियल है, डायमंड है, सोना है, कुछ भी है, अपने हैंड कैरी में लेके जाइए। एटलीस्ट आपके सामने है आपका सामान, बेशकीमती सामान है, चाहे वो 100 रुपए का है, चाहे वो 10 लाख का है, आपके हाथ में है, आपके सामने है। सिक्योरिटी चेक इन एक्सरे मशीन में कोई किसी से कभी नहीं पूछता, दैट इज द लॉ, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग। ऑन द अदर हैंड, योर चेक इन लगेज इफ इट हैज ज्वेलरी इन इट, इट विल बी टेकन आउट एंड नोबडी विल एवर आंसर फॉर इट, यू कैन नॉट पिन पॉइंट इट, यू कांट ट्रैक इट, और स्पेशली आप में से कभी किसी का सामान खोया तो आप लोग झेल चुके हो ये पंगा होता क्या है, कितना लंबा सिनेरियो होता है, और कोई जवाबदारी नहीं है। सो दैट्स द थिंग, बी सेफ, कैरी योर ज्वेलरी इन योर हैंड कैरेज, नेवर इन योर सूटकेस, भगवान के लिए बी सेफ। इट्स अ टिप दैट वी आर गिविंग यू, वी ऑलवेज गिव यू ज्वेलरी केयर टिप, आज आपको ज्वेलरी की सेफ्टी टिप दी है। व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग स्पेशली टू डेस्टिनेशन वेडिंग्स, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। I am Karthik Nair for Moesa Jewellers. I'll see you next time with the next tip.